तो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, नंबर्स अप टू 20। ओके, मैंने कैलेंडर बनाने के लिए कहा था जुलाई 2021 का। ओके, तो आई होप कि आपने कैलेंडर बना दिया होगा। नाउ वी हैव लर्न सिंगल डिजिट नंबर। ओके, सिंगल डिजिट नंबर यानी कि जीरो टू नाइन। क्यों इसे सिंगल डिजिट नंबर कहते हैं? क्योंकि इसमें 0 to 9 में एक ही डिजिट आता है। ठीक है, सिंगल ही डिजिट आता है। अभी हम क्या आगे डिस्कस करेंगे? द टू डिजिट नंबर। ओके, कहाँ तक? अप टू 20 तक टू डिजिट नंबर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाउ मैनी फिंगर्स डू वी हैव? ओके, ऑल फिंगर्स हमारे कितनी होती है? 10 होती है, 10। ओके, तो 10 इज रिटन एज 10, और 10 है वो 9 के बाद आता है। ओके, एंड 9 इज द लास्ट सिंगल डिजिट नंबर, और 10 से 2 डिजिट हो जाता है। ओके, सो वी नीड ओनली 1 प्लेस टू राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 9। ओके, वी नीड 2 प्लेस टू राइट नंबर 10। 1 to 9 लिखने के लिए हमें सिर्फ वंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 10 लिखने के लिए ये वंस हो गया और ये टेंस हो गए। समझ में आया? तो 1 10 और 0 1s, विच मीन्स 10 नंबर। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि 10 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। ओके, 10 है वो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, और जो 2 डिजिट नंबर है वो स्टार्ट भी होते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं। तो 10 वंस है, 10 वंस मेक्स 1 10s। 1 10, ओके, 1 10 बनाते हैं। 10 वंस को इकट्ठा करते हैं जब, तब एक 10 बनता है। ओके, तो सपोज कि वी हैव 1 10, तो स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वी हैव 10 वंस यानी कि 1 10, ये 1 10 है। और वी हैव अनदर 4 स्टार 4 वंस, तो इट विल मेक 1 10 and 4 वंस, तो नंबर क्या बना? 14 बनेगा। समझ में आया? 1 will be 10 and 4 will be 1s। ओके, तो नंबर्स और नंबर्स नेम अब हम सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो नंबर्स 11 टू 20 देखेंगे पहले। तो यहाँ पे सपोज कि वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये पूरी 10 है, ये 1 10 हो गया, 1 10 हो गया। और वी हैव 1 1, एक 1 हो गया, 1 1, तो 1 10 and 1 1 मिला के कौन सा नंबर बनाएंगे? 11। ओके, तो 11 में एक 10 हो गया और एक 1s हो गया, तो 1 10 and 1 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा 1 10 हो गया और 2 1 हो गया, तो 1 10 2 1, तो ये कौन सा नंबर बनाएंगे? 1 2 12, तो 12 में 2 हो गया 1s एंड 1 हो गया 10s। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक 10 हो गया और 1 2 3 3 1 हो गया, तो 3 1s, 1 10 and 3 1s, तो 1 10 and 3 1s, तो कौन सा नंबर बना? 13, तो 13 में 3 1s and 1 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 10 and 1 2 3 4, 4 1s, तो ये नंबर बना 14, 1 4 14, तो 14 में 4 1s and 1 10 हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक 10 हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 1s हो गया,
तो ये नंबर बना 15। ओके, समझ में आता है ना? एक 10 और एक 1, यानी कि 11, 110, 21, 12, 110, 3 ones, 13, 110, 4 ones, 14, 110, 5 ones, 15. ओके, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये एक 10 हो गया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ones हो गया, तो ये नंबर बना 1, 6, 16, 6 ones. ओके, और 1 हो गया 10s. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये एक 10 हो गया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ones हो गया, तो ये नंबर बना 1, 7, 17. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 8 ही लिखना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो ये 8 वंस हो गए, तो ये नंबर बना 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110. एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वंस, तो नंबर बना 19. नाउ लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये दूसरा 10 हो गया, तो 110 प्लस 110, 2 टेंस. ओके, 2 टेंस विच मीन्स 20. समझ में आया? अगर 3 टेंस होगा तो 3 टेंस यानी कि 30, 4 टेंस होगा तो 4 टेंस 40, 5 टेंस होगा तो 5 टेंस 50, 6 टेंस होगा तो 6 टेंस 60, 7 टेंस होगा तो 7 टेंस 70, 8 टेंस होगा तो 8 टेंस 80, 9 टेन होगा तो 9 टेंस 90. ओके, तो यहाँ तक है. ओके, तो कैसे 11 टू 20 नंबर बने, ये मैंने समझाया. ओके, तो आपको घर पे ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसे 110 एंड 11, तो 11 ऐसे लिखना है, फिर 110, 21, 12, 11 टू 20 ही लिखना है, 110, 11, 11, 110, 21, 12, 110, 3 ones, 13, 110, 4 ones, 14, 110, 5 ones, 15, 110, 6 ones, 16, 110, 7 ones, 17, 110, 8 ones, 18, 110, 9 ones, 90, and 110, 110, 210, which means 20. Okay? So, in my next lecture, I will start writing practice number and number names from 11 to 20. Till then, आपको ये writing ये लिखना है, जैसे मैंने समझाया वो आपको maths की notebook में लिखना है. Thank you.